वहीं सऊदी अरब के मक्का मदीना में हज यात्रा के लिए लाखों हज यात्री इकट्ठा हुए हैं। इस बीच यात्रियों को भीषण गर्मी का भी सामना करना पड़ रहा है। स्थिति ऐसी हो गई है कि मक्का में गर्मी से कुल 600 हज यात्रियों की मौत हो गई है। इसमें सबसे ज्यादा 323 तो मिस्र के हैं, तो वहीं 68 भारतीय नागरिक शामिल हैं। इन सभी यात्रियों की मौत के लिए भीषण गर्मी और बढ़ते तापमान को जिम्मेदार बताया गया है। सऊदी अरब में एक राजनयिक ने बताया है कि हमने करीब 68 लोगों की मौत की पुष्टि की है, कुछ की मौत प्राकृतिक कारणों के चलते हुई है। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि हमारे साथ कई बुजुर्ग तीर्थयात्री भी थे, कुछ की मौत मौसम की वजह से हुई है, ऐसा हमारा अनुमान है। सऊदी अरब में शहर मक्का में लोग हज के दौरान 550 अप्रॉक्सी या कम बेश लोगों की फौतगी हो गई है, और वो तमाम लोग हज के दौरान हीट वेव से लू लग गया उन लोगों को। आप सोच के देखें, आज मुझे अफसोस होता है कि दुनिया कितनी तरक्की कर लिया है। सऊदी अरब एक सिटी बना रहा है, 2045 तक वो एक ऐसा लाइन खींचने जा रहा है कि पूरे दुनिया में एक मिसाल करेगा। आप यकीन जानिए, आज ये जो माहौल बना है, आप टेक्नोलॉजी वे से आजकल कल मालूम कर लेंगे कल का कितनी डिग्री है, अगले हफ्ते में बारिश होगी नहीं होगी, ये तमाम चीज आप मान सकते हैं दोस्तों। और साथ साथ मैं इसी बात को यहां लेके आता हूं, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से अल्लाह ने पांच पिलर बनाया है, पांच फर्ज आप पे है, रोजा नमाज जकात हज कलमा।